नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फ्लेवर्स ऑफ द डे में। कैसे हैं आप सब लोग, कैसा चल रहा है आज आपका दिन? आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी बताने वाली हूँ उसका नाम है नींबू का रसम। जो नींबू का जो रसम है वो बहुत ऑथेंटिक मीन है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में लोग रसम खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनके रोजमर्रा के जो मील, जो लंच होता है उसमें रसम जरूर होता है। जैसे सांभर होता है वैसे रसम भी होता है। आप इसको एक सूप की तरह भी पी सकते हैं क्योंकि इसमें हम डालते हैं नींबू और बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस। सो आप इसको एक एपिटाइजर की तरह, मतलब खाना खाने के 15-20 मिनट पहले भी इसको खा सकते हैं ताकि आपकी भूख और बढ़ाता है। जब किसी को कोल्ड या कफ भी होता है तो लोग इसको लेते हैं क्योंकि थोड़ा स्पाइसी रहता है और गले के लिए थोड़ा सा आराम भी मिलता है। तो जो ये जो रसम होता है ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे टमाटर के रसम होता है, नींबू का रसम होता है, अदरक का रसम होता है और गार्लिक का भी रसम होता है। तो जो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है नींबू का रसम। सो मेरे जितने भी साउथ इंडिया के फ्रेंड्स हैं उनको तो पता ही होगा, तो मैं चाहती हूँ कि बाकी सब लोग भी इसको ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए पहले देख लेते हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप, जो ये 2 टेबलस्पून है उससे मैंने लिया है तुअर की दाल। इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और 10-15 मिनट भिगो के रखा ताकि जल्दी से मैश हो जाए। और है नींबू, क्योंकि ये नींबू का रसम है, ये है अदरक और ये है गार्लिक और 2 ग्रीन चिली। किसी किसी को गार्लिक का स्मेल और टेस्ट पसंद नहीं आता है, पसंद नहीं आया तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और जो ड्राई स्पाइसेस है वो है जीरा, हल्दी का पाउडर, ये है पेपर पाउडर जो मैं हमेशा कूट के रखती हूँ, ये नमक स्वाद अनुसार, ये है हींग जिसको हम एक ड्राई पाउडर बनाएंगे। तो हम जो करें, हम पहला जो हमारा स्टेप है वो है हम तुअर की जो दाल है उसको हम कुकर में रख के 7 से 8 सीटी देंगे इसको। अगर आपकी दाल जल्दी गल जाती है तो आप 3 से 4 सीटियां भी दे सकती है, ये डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है, यहां से आपको दाल को अच्छी तरह मैश होने के लिए 7 से 8 सीटियां देनी पड़ती है, जो मैं अभी कुकर में देने वाली हूँ। उसके बाद जो भी मैंने आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स बताए थे, जो हो गया हमारा गार्लिक हो गया, अदरक हो गया, 2 चिली लिया मैंने, ड्राई चिली लिया वो, जीरा, पेपर पाउडर, इन 5ों का मैं ड्राई पाउडर बनाऊंगी। जो आपका जो ब्लेंडर है उसमें इन सबको डाल के पानी मत डालिएगा, सिर्फ ड्राई पाउडर चाहिए, इन सबका एक पाउडर बना लीजिए। सो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि आपको दाल को अच्छे से गलने देना है 7 से 8 सीटी, तो देखिए मैंने 7 से 8 सीटी लगा के तो ये दाल की जो कंसिस्टेंसी होगी वो होगी ऐसे। तो चलिए बनाते हैं रसम। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, तेल को गर्म होने देते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड राई, तो राई को क्रैकल होने देते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे बताया था कि ये नींबू का रसम है, नींबू जो है बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग अपने डाइट में नींबू ऐड करते हैं, और वो कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है, किडनी स्टोन को भी प्रिवेंट करता है। तो इसमें और विटामिन सी में, तो इट्स वन ऑफ द रिच इंग्रेडिएंट्स ऑफ विटामिन सी। तो ये मेरा मस्टर्ड क्रैकल हो गया है, उसमें मैंने 2 से 3 रेड चिली डाल दिया है, उसको क्रैकल होने दीजिए। मैं थोड़ा सा गैस को मीडियम में रखती हूँ। अब मैं जो ड्राई स्पाइसेस मैंने जो आपको बोले थे, अदरक हो गया, गार्लिक, जीरा, रेड चिली, उन सबको जो मैंने विदाउट वाटर, विदाउट पानी के बगैर जो मैंने ड्राई पीस के रखा है, तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। डाल दिया है जो हमने दाल, जो हमने अच्छे से गला के रखी है, इसमें थोड़ा सा
इसमें पानी एक से डेढ़ बाउल डाल सकते हैं, क्योंकि रसम जो होता है बहुत पतला होता है, तो आप इसमें एक बाउल से डेढ़ बाउल तक पानी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर। इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, अच्छे से मिला दीजिएगा। अगर आपके घर में धनिया पत्ता हो और लोग प्रेफर करते हो धनिया का पत्ता, तो आप इसके ऊपर धनिया के पत्ते को गार्निश कर सकते हैं। हमारे घर में लोग धनिया का पत्ता, बच्चे लोग उतना नहीं खाते हैं, तो मैं गार्निश नहीं करती हूँ। अगर आपके पास हो तो आप जरूर गार्निश कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर मिलता है। तो ये रहा हमारा नींबू का रसम। तो दोस्तों, आप सब लोगों को आज का रेसिपी पसंद आया होगा, तो जरूर घर पे बनाइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलियों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम, बाय बाय।